नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कारक। हिंदी का अपना अगला टॉपिक कौन सा है? कारक, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं और स्पेशली रीट में इससे प्रश्न आता ही आता है। और आप समास पढ़ोगे तत्पुरुष समास, तो उसमें कारक का ज्ञान होना आपको आवश्यक है, इसलिए हम कारक लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, समझते हैं। कारक, संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों या शब्दों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है, तो उसे कारक कहते हैं। यानी संज्ञा सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कोई दूसरा पद हो या शब्द हो, जैसे कि क्रिया, तो संबंध को हम क्या बोलते हैं? कारक। विभक्ति या परसर्ग, विभक्ति को हम परसर्ग कहते हैं, ध्यान रखना। परसर्ग, उपसर्ग को नहीं कहते परसर्ग, विभक्ति को बोलते हैं परसर्ग। तो कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? विभक्ति या परसर्ग। जो चिन्ह आएगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, ये सब क्या है? चिन्ह उसके के लिए से है ना। तो हर कारक के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होना अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं हर बार विभक्ति का प्रयोग हो। हम उदाहरण बात करेंगे कि हर बार विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन अपने को समझना पड़ेगा कि विभक्ति इसमें कौन सी प्रयुक्त हुई है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आता है, हिंदी भाषा में कारक कितने होते हैं? तो हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, प्रश्न बहुत बार पूछा गया, हिंदी भाषा में कारकों की संख्या कितनी होती है? 5, 6, 7, 8। तो हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं, रेट वाले सुन लेना। प्रश्न आता संस्कृत में कि का हिंदी संस्कृत भाषा में कारकों की संख्या कितनी होती है? तो 6। संस्कृत भाषा में कारकों की संख्या कितनी होती है? 6। पिछली बार रेट में यही प्रश्न आया था, 6 होती। वहां संबंध और संबोधन, संबंध कारक और संबोधन कारक को नहीं माना जाता। संबोधन में प्रथम विभक्ति आती है और संबंध को उसमें मुख्य कारक में नहीं माना जाता, इसलिए संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है? 6। तो बात करते हैं हिंदी के कारक कितने होते हैं? 8। कौन कौन से कारक और विभक्ति? कर्ता ने विभक्ति, कर्ता कौन सी विभक्ति? ने। आपको याद ऐसे करना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की रा रे री ना ने नी, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे ओ अरे। रिपीट करो, बोलो। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने, संबंध का के की रा रे री ना ने नी, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे ओ अरे। वापिस बोलो। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की रा रे ना ने नी, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे ओ अरे। बोलो। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने में, संबंध काके की रा रे री ना ने नी, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे ओ अरे। 8 कारक हो गए। अब विशेष पॉइंट आप लिखना, नोट्स बना रहे हो तो। सर्वनाम में 7 कारक ही होते हैं, सर्वनाम में 7 कारक होते हैं। कौन सा कारक नहीं होता? संबोधन कारक, उसमें मुख्य कारक में नहीं गिना जाता। प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया है एक बार कि सर्वनाम में कितने कारक होते हैं, सर्वनाम में 7 कारक का हम प्रयोग करते हैं, संबोधन कारक उसमें नहीं गिना जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर एक एक पढ़ते हैं हम। ठीक साथियों, अब हम एक एक कारक को विस्तार से पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल विस्तार यानी डिटेल से भी प्रश्न पूछे जाने लगे। तो बात करते हैं, पहला कारक कर्ता कारक, विभक्ति कौन सी? ने। ने विभक्ति का प्रयोग केवल भूतकालिक क्रिया में करते हैं। कौन सी क्रिया के लिए? भूतकालिक, जो क्रिया बीत चुकी है, जो कार्य हो चुका उस क्रिया के लिए। यानी कर्ता कारक का प्रयोग हम वर्तमान काल और भविष्य काल और अकर्मक क्रिया के लिए नहीं करते हैं। ये प्रश्न पूछा गया कि नए व्यक्ति का प्रयोग कौन सी क्रिया के लिए करते हैं, तो केवल भूतकालिक क्रिया के लिए, यानी वो कार्य हो चुका है। और विभक्ति का प्रयोग सदैव करना आवश्यक नहीं है, पहले बताया था मैंने आपको, समझते हैं। उदाहरण, सुरेश ने सूरज को बुलाया। ने कर्ता कौन है? सुरेश। सुरेश ने सूरज को बुलाया, पहले बुला दिया था, ठीक है। दूसरा, जयशंकर प्रसाद ने कमायनी लिखी। जयशंकर प्रसाद ने, कर्ता कौन है? जयशंकर प्रसाद, उन्होंने कमायनी पहले लिख दी, भूतकाल। अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, अब यहाँ कोई विभक्ति नहीं आ रही लेकिन पढ़ता है तो अभिषेक कर्ता हो गया, तो कौन सा कर्ता कारक? मनोहर हंसता है, कर्ता कारक। सीता हंसती है, राम गाता है, सभी क्या है? कर्ता कारक। यानी हर बार विभक्ति का प्रयोग होना आवश्यक नहीं है, आपको समझना पड़ेगा, उदाहरणों की कमी नहीं है। बात करते हैं दूसरा, कर्म कारक। कर्म कारक की विभक्ति को वाक्य में जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है कर्म कारक कहलाता है। ये परिभाषा पूछी गई एक बार, वाक्य में जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, जिस पर फल पड़ता है, जिस कार्य को कर रहा है, वो क्या कहलाता है? कर्म कारक। कर्म कारक यदि सजीव हो तो उसके साथ को विभक्ति लगती है, अनिवार्य रूप से लगेगी। और अगर निर्जीव कर्म कारक है, निर्जीव हो, तो उसके कर्म कारक के साथ हमें लगाना आवश्यक नहीं समझते विभक्ति को। जैसे बात करते हैं, राम ने रावण को मारा, किसको मारा? रावण को, तो कर्म कारक क्या हो गया? रावण। दूसरा उदाहरण है,
माँ बच्चे को दूध पिला रही, किसको? बच्चे को। बच्चा सजीव है, रावण सजीव है, ठीक है। अगर तमाशा देख रहे हैं, अब तमाशा क्या है? निर्जीव। तो तमाशा देख रहे हैं तो ये भी कर्म कार्य की, लेकिन इसमें कोई व्यक्ति का प्रयोग नहीं हुआ, ये आपको समझना पड़ेगा। विशेष, विशेष लगा के आप लिखना। आज्ञा सूचक शब्दों में निर्जीव के लिए भी कर्म कारक का प्रयोग होता है, आज्ञा सूचक आदेशवाचक वाक्य में। जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, पुस्तक को मत फाड़ो। कुर्सी को मत तोड़ो, कुर्सी को मत तोड़ो। उसको मत, उसके साथ उसको मत तोड़ो। फूल को मत तोड़ो, टेबल को मत तोड़ो। ऐसे वाक्य किसमें आएंगे? आदेशवाचक भी कर्म कारक में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अगला कारक हम पढ़ते हैं, करण कारक पढ़ते हैं। देखो करण कारक, करण कारक का विभक्ति क्या? करण से, करण से। क्रिया के साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं, यानी जिसके माध्यम से कर्ता कोई कार्य करता है उसे हम क्या बोलते हैं? करण, यानी वो क्या हो गया? उसका माध्यम, कार्य करने का माध्यम। जैसे उदाहरण, राम ने चाकू से फल काटे। फल किसके द्वारा काटे? चाकू से। चाकू क्या हो गया? करण कारक। राजा ने मंत्री से कहा, किससे कहा? मंत्री से कहा, तो मंत्री क्या हो गया? करण कारक, मंत्री माध्यम हो गया। मैं कलम से लिखता हूं, किससे लिखता हूं? कलम से, यानी कलम पेन से लिखता हूं, तो कलम क्या हो गया? माध्यम। मेंढक को पत्थर से मत मारो, किससे मत मारो? पत्थर से। को तो क्या हो गया? मेंढक को, कर्ता, कर्ता ने मेंढक हो गया, को यानी कर्म कारक हो गया मेंढक, मेंढक को पत्थर से, पत्थर द्वारा, ठीक है। तो से द्वारा क्या हो गया? करण कारक। यह पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना, मेंढक को पत्थर से मत मारो, इसमें पत्थर क्या है? तो करण कारक, ठीक है। अगला कारक, संप्रदान कारक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 90% एग्जाम में ये पूछा जाता है। संप्रदान कारक, संप्रदान के लिए। संप्रदान का अर्थ होता है देना, क्या होता है? देना, यानी किसके लिए? दान देने के लिए। ऐसा नहीं दान चीज दे ली वापस ले ली, उसके लिए नहीं, दान देने के लिए, क्योंकि वापस लेंगे नहीं हम। जैसे जब क्रिया द्विकर्मी हो तथा देने के अर्थ में प्रयुक्त हो तो वहां को विभक्ति भी प्रयुक्त होती। जब क्रिया द्विकर्मी हो और देने के अर्थ में हो तो वहां को विभक्ति प्रयुक्त होगी। कैसे समझते हैं? आलोक माँ के लिए दोई लाया। अब आलोक किसके लिए दोई लाया? माँ के लिए। माँ क्या होगी? संप्रदान कारक होगी, ठीक है, सिंपल है। तो मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी। अब दी, दी क्या? द्विकर्मी क्रिया, दी देना द्विकर्मी क्रिया। तो मीनाक्षी ने कविता पुस्तक दी, पुस्तक दे दी, किसको दी? कविता को। क्या दी? पुस्तक दी। तो इसमें क्या हो गया? संप्रदान कारक, ठीक है, कविता के लिए दी, तो संप्रदान कारक क्या हो गया? कविता, ठीक है। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। अब कंबल दे दिए राजा ने, वापस तोड़ लेगा उनको? वापस नहीं लेगा। तो ये क्या होगा? संप्रदान कारक, यानी किसके लिए दिए? निर्धनों के लिए दिए, तो इसलिए कोई व्यक्ति आ गई, ठीक है, देने के अर्थ में। पुलिस ने चोर को दंड दिया। अब चोर को दंड दिया, चोर अभी तो दंड देगा? दंड देगा नहीं ना। तो क्या हो गया? चोर क्या हो गया यहाँ पे? संप्रदान कारक, यानी देना क्या? द्विकर्मी क्रिया, ठीक है। अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी। अब दी यानी देना, द्विकर्मी, किसको दी? भारत को आर्थिक सहायता दी, ठीक है, संप्रदान कारक। बच्चों के लिए मिठाई लाओ, किसके लिए? बच्चों के लिए, यानी के बच्चे क्या हो गए यहाँ पे? संप्रदान कारक। स्क्रीनशॉट ले लिया आप। अब हम बात करते हैं अगले कारक, अपादान कारक। अपादान कारक यानी से, अपादान से, अलग होने के अर्थ में। यदि कोई वस्तु या पदार्थ है, चीज या कोई आदमी किसी से अलग हो रहा है तो कौन सा कारक आएगा? अपादान से। जबकि करण से भी आता है, लेकिन उसमें कोई करण से यानी द्वारा, किसी चीज के द्वारा, लेकिन इसमें द्वारा नहीं आता। कैसे? समझिए, पृथक या अलग होने का बोध कराता। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता। अब पेड़ से पत्ता गिर गया, वापस थोड़ी जुड़ेगा, तो पेड़ से पत्ता गिरता, अपादान कारक। घर से निकाल दिया, उसको घर से निकाल दिया, निकाल दिया, निष्कासित कर दिया, तो अपादान कारक। गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से अलग होकर निकलती है ना, हिमालय से शुरू होती है, तो अपादान कारक। इसी तरह विशेष लगा के आप लिखना, पहचान अर्थ में, किसी की पहचान करवाने में, तुलना में, दो व्यक्तियों के आपस में तुलना में, शिक्षा में तथा क्रिया संपादन में, कोई कार्य संपादित हो रहा हो, मैं भी अपादान कारक आता है। जैसे यह है मारवाड़ से, ये कहां से है? मारवाड़ से है। यहाँ कौन सा कारक है? अपादान है, ध्यान रखना, पहचान अर्थ में आ रहा, पूछा गया प्रश्न है। कविता सविता से अच्छा गाती है। कविता किससे अच्छा गाती है? सविता से, तुलना हो रही है, तो यहाँ भी कौन सा? अपादान कारक। सूर्य पृथ्वी से दूर है। सूर्य किससे दूर है? पृथ्वी से, दूरी अर्थ में, तो भी अपादान कारक। शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है। शिष्य गुरु से क्या ग्रहण करता है? शिक्षा, तो भी अपादान कारक। तथा मजदूर गेती से गड्ढा खोदता है। अब यहाँ करण नहीं आएगा, शब्द नहीं आएगा, गेती से गड्ढा खोदता, क्रिया संपादन कर रहा हूँ, गड्ढा खोद रहा है, तो फिर अपादान कारक, ये भी पूछा गया है, ध्यान रखना। अगला छठा है संबंध कारक। संबंध काके की रारे री नाने नी, काके की रारे री नाने नी। जैसे बिल्कुल सरल है, अजय की पुस्तक गुम गई, किसकी? अजय की। किया गया
आसमान का रंग नीला है। किसका रंग है आसमान का? नीला। झगड़ा मेरे और उनके बीच था, किसके? मेरे, रे आ गया, मेरे और उनके मध्य में था। उतार लीजिए। अब अंतिम कारक है अधिकरण कारक और संबोधन कारक। छोटे से कारक समझ लेते हैं। अधिकरण कारक, अधिकरण में पे पर, संख्या का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, यानी क्रिया जिस आधार पर टिकी हुई उसका बोध होना चाहिए। ये परिभाषा एक बार पूछी गई थी कि अधिकरण कारक की परिभाषा निम्न में से क्या है, तो संख्या का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, यानी किस चीज पर है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे, पक्षी कहाँ उड़ रहे? आकाश में, तो आधार क्या हो गया? आकाश हो गया इनका, जमीन पर उड़ेंगे नहीं। ठीक है, मेज पर पुस्तक पढ़ी, पुस्तक कहाँ पर पढ़ी? मेज पर। छत पर खेलो, किस कहाँ पर खेलो? छत पर। लेकिन इसका अर्थ होना चाहिए, ये जरूर नहीं हर बार मैप पर आए। जैसे छत के ऊपर चले जाओ, छत के ऊपर आ रहा है, के ऊपर इसमें है नहीं, लेकिन छत के ऊपर आधार छत ही है ना, तो उसमें भी क्या आएगा? अधिकरण कारक। अगला है संबोधन कारक, हे ओ अरे। संबोधन कारक यानी किसी को आवाज देना, बुलाना, संबोधन। ए राम बड़े आप, अपन बोलते हैं, बोलते नहीं थे? हे रामू, हे श्याम, क्या कर रहे हो? ये होते हैं, ये क्या संबोधन है? किसी को पुकारना। संबोधन कारक के बाद संबोधक चिन्ह या अल्प विराम कोमा, जिसे बोलते कोमा लगाते हैं। जैसे हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु, हे प्रभु रक्षा करो, अरे मोहन यहाँ आओ, अरे मोहन यहाँ आओ, ओ लड़के धीरे चल, ओ लड़के धीरे चल। तो ये है कारक। मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। परेशान प्रश्न इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, उदाहरण चेंज हो सकते हैं लेकिन तरीका वही रहेगा, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए। और मेरी आपसे विनती रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ें, क्योंकि निःशुल्क क्लास है आपको, कहीं पे कोचिंग संस्थान पैसे नहीं, आवश्यकता नहीं पड़ेगी हिंदी के अंदर, आपको मैं पूरी हिंदी करवाऊंगा। तो आप मेरे से जुड़े रहिए और अपना साथ देते रहिए। धन्यवाद।